तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और यूपी सरकार एक साथ एक जो है शताब्दी महोत्सव के तहत जो हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो हमारे शहीद हैं उनको याद कर रही है। खुद यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतन देव सिंह वो यहाँ पे पहुँचे थे शहीद स्मारक पे। आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पे जो शहीदों को याद किया है श्रद्धांजलि अर्पित की है और सीधे तौर पे जो है उनका कहना है कि हमारी सरकार जो है जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो जवान थे जो शहीद हुए थे जिन्होंने बलिदान दिया है देश को आज़ादी में उनका सहयोग रहा है उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में आज उनको जो है सरकार याद कर रही है। 11 बजे का वक्त है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद चौरी चौरा कांड को लेकर के शताब्दी महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे शुभारंभ करेंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इसमें वर्चुअली जो है जुड़ेंगे। तो साफ है कि पूरा साल भर तक जो है ये आयोजन जो है बीजेपी करने वाली हो इसके तहत जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो तमाम शहीद थे जो जवान थे उनको याद कर रही है। हम खुद बात करेंगे सर चौरी चौरा शताब्दी मना रहे हैं आप यहाँ पहुँचे क्या करेंगे सर? देखिए शहादत जो शहीद स्थल है पुष्पांजलि करने और राज्य के अंदर संगठन आज शहीद स्थल जहाँ जहाँ हैं ऐसे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और योगी सरकार देश के अंदर मोदी सरकार और राज्य के अंदर योगी सरकार भी ये कार्यक्रम संपन्न कर सकती है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे पुलिस के जवान आज भी शहादत लोग जो रहे हैं बॉर्डर पर ऐसे सभी परिवारों को सम्मान के लिए संपूर्ण राज्य के अंदर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और आज इसके तहत मैं नमन करने आया हूँ पुष्पांजलि करने आया हूँ शहीद जो लोगों ने देश के लिए इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया है उनके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम से शीश झुकाकर मैं नमन करने आया हूँ कि उन्हीं के कारण आज देश के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो रहा है और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर उन्हीं के जो दिखाया हुआ रास्ता है आदरणीय मोदी जी योगी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और देश का नौजवान भी उसी रास्ते पर आगे बढ़कर पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार करते हैं। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल चौरी चौरा शताब्दी के तहत जो है खुद सतन देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी है उनको नमन किया है और सीधे एक मैसेज है क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है तमाम जो हमारे शहीद हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश की शहादत में देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है तो उनको याद करने के लिए उनको नमन करने के लिए और उन्हीं की याद में जो है ये चौरी चौरा जो शताब्दी महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत पूरे प्रदेश में 75 जो जनपद हैं वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहीद हैं उनको आज याद किया जा रहा है उनको पुष्पांजलि दी जा रही है तो उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उनको जो है नमन करके जो है उनको याद किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नफीस साथ अनुपमा भारत समाचार लखनऊ। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहीद स्मारक की ये तस्वीरें जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और यहां पर शहीदों को सम्मान दिया गया पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है। तो आपको बता दें चौरी चौरा शताब्दी समारोह आज शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअली इसकी शुरुआत करने वाले हैं और इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। विकास शाही हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी और प्रसाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास आज यूपी के सभी 75 जिलों में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी आपको बता दें कि 4/22 को हुए चौरी चौरा कांड में शहीदों की शहादत को याद करते हुए चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जिसको लेकर सीएम कल यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देरी के बाद ठीक 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे और शहीदों की याद में डाक टिकट भी जारी करेंगे। सीएम योगी मंच पर मौजूद रहेंगे और वर्चुअल रूप से राज्यपाल आनंदी पटेल भी जुटेंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 1500 से अधिक सुरक्षा कर्मी ड्रोन कैमरे से चौरी चौरा की शहीद स्थल की निगरानी कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम में झांकियां चल रही हैं और तरह तरह की जो शहीदों को याद करने